kids, welcome back. I hope you are doing well. I am Vandana and we are learning English reader of class 2 by Brain Root series. And here this is a book. The name of a book is Literary Journeys. Today we are going to start with chapter number 12. And do you know what is the name of the chapter? It is Nobody Believes a Liar. So children, who is a liar? Liar is a person who speaks lie, means जो झूठ बोलता है. तो ऐसे इंसान का क्या कोई विश्वास करता है? No. So this is the name of a chapter that nobody believes a liar. कोई भी एक झूठे इंसान का विश्वास नहीं करता. So let's start with the warming up. It is only when the truth causes unnecessary harm that most people find lying to be ethical. So क्या होता है कि कई बार जो सच्चाई होती है उससे क्या होता है, लोगों को जो है नुकसान पहुंच जाता है. तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं चलो झूठ बोल देते हैं, शायद कुछ फायदा ही हो जाए. Once a liar is always a liar. अगर एक बार किसी ने झूठ बोल दिया तो वो हर बार झूठ बोलेगा. तो एक बार झूठा, बार बार झूठा. Here is a story of a boy who struggles hard to save his flock of sheep, but within a couple of minutes the beast kills his flock of sheep. तो ये जो story है ये एक boy की है, जो एक shepherd है. वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है अपने sheep के जो flock है उसे जो है बचाने की, किससे, beast से. एंड लेकिन उसके झूठ की वजह से वो सारे शीप मारे जाते हैं. सो लेट्स रीड दिस स्टोरी. सो चिल्ड्रेन, देयर वॉज अ शेपर्ड. एक शेपर्ड था जो शीप को का ध्यान रखते हैं, उन्हें हम शेपर्ड कहते हैं. सो एक शेपर्ड था हु हैड अ फाइन फ्लॉक ऑफ शीप. उसके पास बहुत सारे शीप्स का ग्रुप था. और शीप के ग्रुप को आपको पता है क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं. तो उसके पास बहुत सारे शीप का ग्रुप था. वंस ही व्हेन ही फेल इल ही सेंड हिज सन टू टेक केयर ऑफ देम. तो अब जो है जब वो शेपर्ड जो है बीमार हुआ तो उसने क्या किया, उसने अपने बेटे को बोल दिया कि जाओ तुम इन्हें जरा जो है घास वास खिला के लाओ और इनका ध्यान रखना, मैं बीमार हूँ. टेक केयर ऑफ देम एंड डोंट लेट देम स्ट्रे. इन शीप को अपने साथ ले जाओ और इनका ध्यान रखना, इन्हें इधर उधर घूमने मत देना. द शेपर्ड सेड द बॉय. शेपर्ड ने अपने बेटे से कहा, डोंट गो टू फार एंड बी बैक बिफोर सनसेट. ज्यादा दूर मत जाना और सनसेट से पहले क्या करना, रुक, जल्दी से घर वापस आ जाना. If you see a wolf coming near the sheep, अगर तुम्हें कोई भेड़िया दिखाई दे sheep के पास आते हुए, shout for help as loudly as you can. इतनी तेज जितनी तेज तुम बोल सकते हो, चिल्ला सकते हो. तो पूरी जान लगा के भेड़िया दिखते ही तुम्हें जोर जोर से चिल्लाना है. The villagers will come for your help, all right, father, said the son. तो फादर ने बोला कि अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे तो जो गांव में रहने वाले विलेजर्स हैं वो तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएंगे. तो अब बेटे ने कहा ठीक है, मुझे सब समझ में आ गया, मुझे क्या क्या करना है. द बॉय टुक द फ्लॉक टू अ नियर बाय हिल फॉर ग्रेजिंग. अब जो वो बॉय था वो अपने शीप का ग्रुप जो था उसे लेके गया कहाँ, एक पास के हिल में, वहाँ पे घास वास खिलाने के लिए. द शीप वेंट अप एंड डाउन द हिल. अब जो शीप क्या कर रही थी, वो कभी ऊपर चढ़ रही थी हिल के, कभी नीचे जा रही थी. नियर द बिग रॉक एंड बिसाइड द ब्रूक. कभी रॉक के पास जा रही थी, कभी ब्रूक मीन्स एक पानी का तालाब टाइप था वहाँ जा रही थी. एंड द बॉय वेंट विद देम. और बॉय जो है उनके पीछे पीछे जा रहा था. दिस वेंट ऑन फॉर अ वीक. अब ये सारा काम एक हफ्ते तक चलता रहा. वो जो लड़का था वो रोज़ अपने शीप को जो है ले जाता था घास खिलाने के लिए. और फिर क्या हुआ,
द बॉय ग्रू बोर्ड। अब वो जो बच्चा था उसे बहुत बोरिंग लगने लगा, क्या है ये रोज का काम हो गया, रोज मुझे यहाँ आना पड़ता है, इन्हें खाना खिलाना पड़ता है, फिर शाम होने से पहले घर जाना पड़ता है, फिर रोज आओ, फिर यही काम करो, मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ। आप भी तो जाते हो कि काम रोज रोज करके। सो ही हैड गॉन अलोन विद द शीप आफ्टर ऑल। देयर वॉज नो वन ही कुड टॉक, क्योंकि वो शीप के साथ अकेले जाता था तो बोर हो जाता था, उसके पास बात करने के लिए कोई होता ही नहीं था। नो वुल्फ कम, और वुल्फ भी नहीं आता था जिसे भगाने में वो एंटरटेन हो जाए या उसे मजा आए, नो कुछ भी नहीं ऐसा होता था। सो ऑन द एट्थ डे ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक टू अम्यूज हिमसेल्फ। तो अब जब आठवां दिन था, सेवन डेज तक उसने यही काम किया, अब एट्थ डे वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया, उसने कहा चलो कुछ मस्ती करते हैं। तो उसने सोचा कि एक ट्रिक करता हूँ, मस्ती करता हूँ अपने आप को इंजॉय करने के लिए, अम्यूज करने के लिए। He got up and began shouting loudly. वो उठा और चिल्लाने लगा, Help, help, wolf, wolf. The villagers heard him and came running with sticks and guns. अब ये सुनते ही villagers जो है भाग के उसके पास आए और अपने sticks और gun लेके। Where is the wolf boy? अब उन villagers ने उस लड़के से पूछा, कहाँ पे है वो भेड़िया जिसके बारे में तुम बता रहे थे, चिल्ला रहे थे। Where is it? They asked. The boy just laughed and said, There is no wolf. I only shouted for fun. तो बॉय ने हंसते हुए कहा, अरे यहाँ तो कोई भी भेड़िया नहीं है, मैं तो मस्ती कर रहा था, मैं तो मस्ती में चिल्ला रहा था। It was fun to see you all running so fast. बहुत मजा आया मुझे आप सबको दौड़ता हुआ यहाँ आते देख के, बहुत मजा आया, बहुत मजा आ रहा था उस बच्चे को। They were very angry. अब जो लोग थे, जो villagers थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। If you play a trick like that again, we will beat you instead of the wolf. They said and went back to work. आप जो उन लोगों ने कहा, अगर अब तुमने ऐसा मजाक दोबारा किया तो उस वोल्फ की जगह हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। और इतना कह के वो सब अपने घर चले गए, काम पे चले गए। फॉर सम डेज अ बॉय केप्ट क्वाइट। अब कुछ दिन बीत गए, बॉय जो था फिर से चुप हो गया। बट ही सेड टू हिमसेल्फ, आई वंडर इफ दे विल कम रनिंग अगेन इफ आई क्राई फॉर हेल्प Once more, it was such fun the last time. Let me do it once again. अब उस बच्चे ने कहा काफी दिन बीतने के बाद कि क्या ये लोग फिर से आएंगे मेरे चिल्लाने पे? तो पिछली बार तो यहाँ आए थे तो बड़ा मजा आया मुझे, चलो दोबारा से करके देखता हूँ, फिर से मैं चिल्लाता हूँ हेल्प के लिए और ये लोग फिर से दौड़ के आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। So once again he cried, help, help, wolf, wolf. फिर से उस लड़के ने चिल्लाया, हेल्प हेल्प वुल्फ वुल्फ। द विलेजर्स पिक्ड अप देयर स्टिक्स एंड गन्स एंड रैन टुवर्ड द हिल। अब जो विलेजर्स थे वो अपना गन और स्टिक लेके कहाँ आ गए, हिल के पास आ गए। वेयर इज द वुल्फ, दे आस्क। अब उन लोगों ने फिर से पूछा, वुल्फ कहाँ है? नो वेयर सेड द बॉय। बॉय ने कहा कहीं भी नहीं है। And he was laughing, वो जोर जोर से हंस रहा था। The villagers got angry and gave him a good beating. आप जो villagers थे बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने उस लड़के की खूब पिटाई की। The next day when the boy was looking after the flock, a wolf really came. अब अगले दिन क्या हुआ, फिर से वो लड़का जो है वो अपने sheep के जो group था उसका ध्यान रख रहा था और अचानक से एक wolf आ गया, सच का एक वुल्फ आ गया। When the boy saw it, he was very frightened. और उस वुल्फ को देखते ही वो लड़का जोरों से he began to shout, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। Wolf, wolf, help, help, as loudly as he could. अब वो फिर से wolf, wolf, help, help चिल्लाने लगा, जितनी तेज वो चिल्ला सकता था। The villagers heard him, but they took no notice. विलेजर्स ने उसकी बात सुनी लेकिन किसी ने भी उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया।
ही इज प्लेइंग हिज स्टूपिड ट्रिक्स अगेन दे सेड एंड केप्ट वर्किंग। तो विलेजर्स ने इस बार कहा, अरे ये तो फिर से वही मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, इसका तो काम है रोज का मजाक करना, तो इसे करने तो जो ये कर रहा है हम अपना काम कर लेते, हम इसके जाल में नहीं फंसेंगे। At sunset, the boy's father was worried that his son had not returned with the sheep. अब शाम हो चुकी थी और जो बॉय के फादर थे वो परेशान थे कि उसका बेटा जो है अभी तक शीप को लेके घर नहीं आया। He sent some villagers up the hill to find the boy. अब उन्होंने कुछ villagers को भेजा कहाँ पे, हिल पे उस लड़के को ढूंढने के लिए। They reached the top of the hill and found him sitting on a rock weeping. अब जब villagers आए वहाँ पे तो उन्होंने देखा कि जो बच्चा था वो एक रॉक के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था और weeping means रो रहा था। तो आप देख सकते हो ना क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ पे जितनी भी शीप थी सब जो वाइट से रेड हो गई, सबको वुल्फ ने खा लिया था। There really was a wolf here. The sheep have been killed and some of them run away. तो अब जो villagers थे उन्होंने कहा कि यहाँ तो सच में एक भेड़िया आया था, एक वुल्फ आया था, अब ये जो शीप हैं कुछ तो मर गए, कुछ भाग गए। I cried so much for help. Why didn't you come? अब उस बॉय ने कहा कि मैं तो इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, आप लोग में से कोई आया ही नहीं। Nobody believes a liar son. अब उसके फादर ने बोला कि कोई भी एक झूठे इंसान का विश्वास नहीं करता। Even when he is telling the truth, भले ही तुम सच बोलो लेकिन लोगों को लगेगा तुम झूठी बोल रहे हो। Said the old man putting his arm around the boy's neck. तो एक old man था, उसने जो है उस बच्चे के गर्दन पे हाथ रखते हुए बोला कि अगर तुमने जो है झूठ बोला एक बार तो कोई भी तुम्हारे सच का विश्वास नहीं करेगा। As they walk back to the village, अब वो village की तरफ वापस जाने लगे। We will help you to find your lost flock in the morning, he said. तो लोगों ने बोला, गांव के लोगों ने, कि आपका जो ये भेड़ों का जो झुंड था, जो थोड़े बहुत भेड़ भाग गए उनको ढूंढने में हम सुबह आपकी मदद करेंगे। सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ अ लायर एंड चिल्ड्रेन, वॉट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, आपने क्या सीखा, ये कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी वो, और हमारी हैबिट अगर बन गई तो हमारी बात पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। सो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी। हियर द फर्स्ट वर्ड इज शेपर्ड, अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ शीप। शीप का ध्यान रखने वाले पर्सन को शेपर्ड कहते हैं। फ्लॉक क्या होता है, ग्रुप होता है शीप का। ग्रेजिंग मीन्स ईटिंग ग्रास। क्राइड मीन्स शाउट लाउडली। वीपिंग का मतलब होता है रोना, क्राइंग। ब्रूक एक छोटी सी रिवर या फिर स्ट्रीम। इंस्टेड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, किसी चीज की जगह पे। लायर एक पर्सन जो झूठ बोलता है। रियली मीन्स एक्चुअली, सच में। लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज। कॉम्प्रिहेंशन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट वन इज हु हैड अ फ्लॉक ऑफ शीप। किसके पास था एक फ्लॉक ऑफ शीप, टीचर के पास, डॉक्टर के पास, शेपर्ड या फिर वुड कटर। सो इट वॉज शेपर्ड। नाउ द शेपर्ड सेंड हिज डैश टू टेक केयर ऑफ द शीप। सो द शेपर्ड सेंड हिज सन टू टेक केयर ऑफ द शीप। द डैश शाउटेड लाउडली हेल्प हेल्प। सो द बॉय शाउटेड लाउडली हेल्प हेल्प। एंड दिस वन इज ए होमवर्क चिल्ड्रेन, डू इट योर सेल्फ। फिफ्थ वन ऑल्सो यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट, विच इज फिल इन द blanks using help box. So there was a dash who had dash flock of sheep. So there was a shepherd who had fine flock of sheep. So let's write here shepherd and fine. The boy took them for dash on the hill, for grazing on the hill. So now children, you have to do the rest of the questions yourself. Now let's move on to the next exercise, which is C exercise.
Here you have to write true or false for the following sentences. The shepherd asked the boy to return before noon. जो शेपर्ड था उसने बोला था कि नून से पहले आना है, आफ्टरनून से पहले आना है. नो इट्स फॉल्स. द बॉय टुक द फ्लॉक फॉर ग्रेजिंग. यस ट्रू. डू द टू योरसेल्फ. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू डी एक्सरसाइज विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड द शेपर्ड सेंड हिज सन टू टेक केयर ऑफ शीप. बिकॉज He was ill. Because the shepherd was ill. वो बीमार था इसलिए उसने अपने बेटे को अपनी जगह भेज दिया. What did the villagers do when the boy played the trick second time? They came and beat him. Him is the boy here. Why did the villagers not help him? What was the old man's advice? And what is the moral of the story? So you have to do these three questions yourself, children. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear. And I'll be meeting you soon, children, with a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.